कृपा नहीं हुई और माया के तत्व से गुरु गोविंद तत्व की ओर नहीं पलटे तो आप भी मिट्टी में मिल जाओगे, आप इसी शरीर में जल के खाक हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा माताओं, आप लोग तो बड़े उदार हो, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाओ, जगह पीछे दिक्कत हो रही है, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। पुरुष लोग भी थोड़ा फट के बैठेंगे, अभी लोग आ रहे हैं, दिक्कत होगी, ध्यान रखेंगे, थोड़ा प्रसंग पर ध्यान देना। तो प्रसंग क्या कह रहा है, देखो रोटी वही है, तवा वही है, अब तवे में रोटी पक भी जाती है और तवे से अलग हो जाती है तवा से, और पलटने वाला कोई ना हो तो उसी में रोटी जल करके राख हो जाती है। जिस साधक के जीवन में एक सतगुरु होता है तो उसी को अंदर पलट करके और शरीर से निकाल कर भवसागर से पार लगा देता है, लेकिन जिसके जीवन में सतगुरु नहीं होता उसी शरीर में जल के राख हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों की? आ गई? आटा वही है, आग वही है, पात्र वही है, जल भी वही है, तो एक तो पेट भर रहा है और एक स्वयं जल करके एक दूसरे के काम आ रहा है, एक स्वयं में जल के। तो संत सदगुरु दूसरों के काम आया करते हैं और संसारी स्वयं के ईर्ष्या में, स्वयं के राग द्वेष में जल करके राख हो जाया करते हैं। जड़ भरत का ही भाव सुनकर रघुवर पाल के नीचे कूद पड़ा। अरे ये तो कोई सामान्य नहीं, गले में जो यज्ञ पवित्र है इससे लगता है ये कोई ब्राह्मण है। क्या कहते हैं सुनिए। कस्त्वं निगूढस् चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रम् कतमो वधूतः कश्याशि कुत्र त्यैहापि कस्मात् क्षेमायनश्चेदसिनोत शुक्लः। हे महाराज, इस अवधूत वेश में विचरण करने वाले आप कौन हो? कहीं भगवान कपिल तो इस रूप में नहीं आ गए? भगवान दत्तात्रेय तो नहीं? महर्षि वाल्मीकि तो नहीं? लक्षणों से लगता है कि आप ब्राह्मण हो। और इस संसार में मैं डरता हूं तो केवल ब्राह्मण का डरता हूं। जिस व्यक्ति को अपना पतन करना हो तो भगवान के भक्त ब्राह्मण से द्वेष कर ले, आगे कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, उसका पतन अपने आप हो जाएगा। अपने आप पतन हो जाएगा, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लक्षणों से लगता है ब्राह्मण हो। जड़ भरत डांट दिए, अरे पगले है महामूर्ख, ज्ञानी उत्तरा बात करता है, ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहा अहंकार की चादर ओढ़ के। जब तक तेरे मन में यह भाव है कि मैं राजा हूं तब तक तुझे ज्ञान मिलने वाला। देखो इस संसार में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। यहां जो कथा रसपान कर रहे हैं उनके अंदर भी पांच तत्व है, और जो कथा रसपान करवाने के लिए शरीर बैठा वहां भी पांच तत्व है। इसमें कौन छोटा कौन बड़ा है ये हमारे आपके मन की भ्रांति है। और जब तक छोटे और बड़े का भेदभाव लेकर चलते रहोगे तो कोई ना कोई समस्या बनी ही रहेगी, कोई ना कोई परेशानी बनी रहेगी। और एक बात ध्यान रखना, जीवन में आपको लाभ लेना हो तो हमेशा छोटा बनने का प्रयास करो। हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, हमको कन्हैया बहुत बड़े भाई दे दिया, कई बड़े भाई हमारे हैं, अच्छा लगता है, छोटा बनने में आनंद है। छोटा बने सो वो हरि पाए, छोटी चिड़िया उड़े गगन पर हाथी धूल लगाए, छोटा बने सो वो हरि पाए। पंजाबी में कहावत नीवा होके
चल लख निमियानो रब मिल जा। आए बंदे झुक के चल, अकड़ मत दिखा। अकड़ने के लिए अवस्था पड़ी है, फिर तू ऐसे अकड़ेगा कि चार चार लोग उठाएंगे तब भी तू झुकेगा। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा मत बनो। कई बार लोग तर्क देते हैं, बोले महाराज क्या करें, आज का परिवेश ऐसा है, आज का समाज ऐसा, करना पड़ता है। यह भी गलत तर्क है। जल के प्रवाह में जो बह जाए, जल के प्रवाह में जो बह जाए उसे मुर्दा कहते हैं, और जल के प्रवाह को रोककर दिशा दिखा दे उसको मानव कहते हैं। आपको मानव का तन मिला है, बहना नहीं है, उसको रोक के दिशा दिखाना, ताकि उसमें से आपका कल्याण हो। जड़ भरत जी रहुगण का कल्याण वहीं कर दिए, गंगा सागर जाना नहीं पड़ा। गुरु कृपा हो जाए, जहां बैठे हो वहीं कृष्ण हमारे। आप लोग कीर्तन गाते हो ना जर्रे जर्रे पे, झांकी किसकी, भगवान की है। अच्छा जी, तो भगवान को देखने फिर कहां जाते हो? कीर्तन भी गाएंगे जर्रे जर्रे पे है झांकी भगवान की। जब जर्रे जर्रे में है तो भर्रे भर्रे क्यों रहते हो? अकड़ के क्यों चलते हो बाबा? फिर उसके सामने तो कम से कम सीधे रहो, वो तो सर्वत्र है। वो तो सर्वत्र है ना, एक जगह नहीं, जहां बैठे वहीं है। भगवान के परम भक्त जड़ भरत रहुगण को दिव्य उपदेश करते हैं। भवाटवी का वर्णन, ये माया का, रहुगण का ज्ञान दूर हुआ, जड़ भरत जी की ज्योति निकली, भगवान में विलीन, शरीर पंचतत्व में विलीन होता है। भूगोल खगोल का वर्णन, ज्योतिष शास्त्र का वर्णन किया है, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। जब नरकों का वर्णन हुआ, परीक्षित ने कहा फिर तुम्हारा सब नर्क चले जाएंगे क्यों? हर मानव से कोई ना कोई भूल तो हो ही जाती। देखो वृक्ष कितने मजबूत हो, लेकिन जोर की हवा चलती है तो उसकी शाखा हिलती जरूर है। मानव का तन है, कोई ना कोई भूल हो जाती है, इसलिए इसमें ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तो ऐसा कोई हुआ है कि अपराध किया बच गया? बोले हां। आइए षष्ठ स्कंद की कथा में प्रवेश करें। कहते हैं अजामिल, कान कुब्जे दुजा कश्चित दासी पत्र जा मिला, नाम ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कान कुब्ज ब्राह्मण अजामिल, संध्या बंधन यज्ञ अनुष्ठान पूजन पाठ करने वाले, हवन के लिए संध्या लेने जा रहे थे। भगवान की लीला है। देखो मैं अजामिल को कोई पापी नहीं मानता, व्यक्तिगत मेरा भाव नहीं है पापी मानने का। क्यों? यदि वो पापी होते तो संत उनके ऊपर कृपा करने के लिए न आते। लोग बुलाते हैं तब भी नहीं आते, वहां संत अपने आप आ गए। और ऐसे संत आए जो भगवान का साक्षात्कार करवा दिए। ये अजामिल कोई चरित्र नहीं थे। जो दूसरी नारी के साथ संबंध हुआ है, ये दोनों पिछले जन्म के तपस्वी संत थे। ये योग भ्रष्ट थे, भगवान उनको इस रूप में मिलाए और उनका संकल्प पूर्ण करके और फिर लेके चले गए अपने धाम। भागवत में किसी पापी की चर्चा नहीं है, भागवत में तो भगवान के भक्तों की है। मैं अजामिल को कभी पापी नहीं मानता।
भगवान के परम भक्त थे, प्रारब्ध का भोग था, भोग लिए। ये बहुत बड़े संत थे, साधक थे। ये हमने आपसे एक दिन कहा था, आप लोग प्रातः काल की संध्या वंदन करना सीख लो, उसमें क्रिया होती है अघमर्षण की। अघमर्षण की क्रिया का फल है कि कायिक वाचिक मानसिक कैसे भी पाप हुए हो, 2 सेकंड की प्रक्रिया है, सारे पाप शरीर से निकल के बाहर चले जाते हैं। एक दिन ये प्रश्न छोड़ दिया था, याद होगा आप लोगों को, नहीं याद होगा तो मुझे याद है। या बलि वैष्णोदेव का विधान है, इसके लिए अपने गुरुदेव के पास बैठो, जानो कल्याण हो, कल्याण का मार्ग प्रशस्त कैसे होगा ये जानो। समस्या लेके गुरु के पास मत जाओ, समस्या आपके गुरु अपने आप दूर कर देगा। आप जाओ अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, और जब आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा तो पहले आपका मार्ग ठीक करेगा, तभी आपके कल्याण का मार्ग। तो आप तो गुरु के पास समस्या लेके आ गए, समस्या की दुकान वहां आई नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कपड़े की दुकान पर कोई जाकर मूंग की दाल या मसाला मांगे तो मिल जाएगा कि नहीं? कपड़े की दुकान में मसाला मांगे या मूंग की दाल चावल मिल जाएगा कि नहीं? नहीं मिलेगा, तो करते तो वही है। साधक के पास जाकर समस्या की बात मत करो, कल्याण का मार्ग कैसे प्रशस्त होगा ये जिज्ञासा व्यक्त करो, तो आपकी मार्ग में जितने कांटे होंगे अपने आप निकाल के आपका मार्ग प्रशस्त कर देगा। ये साधक का मार्ग होता है। क्यों? जो जिस मार्ग का होता है उसको उसका बोध होता है। देखो भाई, स्टील का बर्तन बनाने वाले को जितना ज्ञान होगा स्टील के बारे में, हमको उसका ज्ञान नहीं होगा। अब लकड़ी बेचने वालों को जितना ज्ञान लकड़ी का होगा, बीज वालों को जितना बीज का ज्ञान होगा, या कपड़े वालों को जितना कपड़े का ज्ञान होगा, मसाला वालों को जितना मसाले का होगा, किराना वालों को किराने का, उतना मुझे नहीं है। लेकिन जिस मार्ग पर मुझे कन्हैया ज्ञान दिया है, उस मार्ग में आपको भी वो ज्ञान नहीं होगा। अब प्रश्न यही है, समस्या हमारी आपके जीवन की बस यही है, यही हम लोग भूल कर रहे हैं। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अभी आगे आपका विषय है, क्या करेंगे कैसे करेंगे, आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अजामिल कि प्रारब्ध का भोग था, वो सामान्य कोई नारी नहीं थी। बच्चों के जन्म का वर्णन है और अंत में संतों का आगमन, संतों का दर्शन होते ही, संतों का दर्शन होते ही दोनों के संस्कार जागृत हो गए। गुरुदेव मेरा उद्धार कैसे होगा, भगवान के नाम का आश्रय लो उद्धार हो जाएगा। बोले मेरा मन तो भगवान में लगता ही नहीं है। अच्छा तो आपका मन कहां लगता है? बोले बच्चों में। बच्चों का नाम आपने क्या रखा है? तो आजकल जो लोग नाम बताते हैं भगवान के नाम से रखें, बड़ी कृपा होगी। संतों ने कहा आपके यहां 10वां पुत्र आने वाला है, उसका नाम रख देना नारायण। क्या नाम रखना है? कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से निकल जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा।
जाएगा पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। संतों ने कहा आपके यहां दसवां पुत्र आने वाला है, उसका नाम रख देना नारायण। क्या नाम रखना है? नारायण। बेटे का नाम रख दिया नारायण। अब अजामिल का उसी बालक से प्रेम हो गया, बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण वस्त्र लाओ। ऐसे करते करते 80 वर्ष की आयु में जब बीमार पड़े, यम के दूत लेने के मुख से निकल गया नारायण, और जैसे नारायण नाम आया भगवान के पार्षद आगे, छोड़ो इसे, अरे ये तो एक महान पापी था, आप क्यों आए? बोले पापी कभी रहा होगा जिसके मुख से भगवान का नाम निकल जाए वो पापी? तो महाराज ये बताओ, ये तो अपने बेटे को पुकारा है, भगवान को आप पुकारा? बोले देखो भाई, मैं इतना जानता हूं नारायण नाम मेरे प्रभु का है, चाहे वो बाप के ब्याज से पुकारे चाहे बेटे के ब्याज। अपने प्रभु का नाम कैसे भी लो महाराज, कल्याण तो होगा। राधे को आरा दिए तो कृष्ण स्वयं मिल जाए।
आप सोते नाम लो, राधे का नाम जागते लो, उठते बैठते चलते फिरते। एक जीवन का सिद्धांत बना लो ना, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, दिन रात बाट देखूं बैठा तेरी गली में। बस एक सिद्धांत हो। यम के दूतों को वापस जाना पड़ा, यमराज का यमदूतों का आपस में संवाद हुआ। यमदूतों ने कहा आज के बाद मैं किसी पापी को लेने नहीं जाऊंगा। क्यों? एक पापी को लेने के लिए गया तो भगवान के पार्षद आ गए, बोले ऐसे नहीं हो सकता। क्या सच सच बताओ? बोले अपने बेटे नारायण को पुकारा, भगवान के पार्षद आ गए। धर्मराज ने कहा देखो जिसके मुख से भगवान का नाम आ जाए वो पापी। तो एक बात बताओ महाराज, आज के बाद किसको लेने जाना है किसको लेने नहीं जाना? धर्मराज ने कहा जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्च नास्मरति तत् चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति चिरये कदापि तानान यद्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जिसकी वाणी से कभी भगवान का नाम न निकले, जिसका मन कथा कीर्तन में न लगे, सत्संग से जिसको प्रेम ना हो, जहां तुलसी गंगा गाय गीता गायत्री गुरु इनका आदर सत्कार में हो वहां जाना, लेकिन जहां ऐसा हो वहां मत जाना। आपके घर के आंगन में तुलसी का पौधा है तो वहां यमदूत नहीं आएंगे, लेकिन तुलसी जी को हमेशा पवित्र जगह में रखो। ऐसी व्यवस्था बना दो कि जानवर उनवर उस पौधे को न छुए। जानवर छूते हैं तो मां तुलसी को पीड़ा होती है, मां तुलसी को कष्ट होता है। और तुलसी आंवला और बेल का वृक्ष ये तीनों एक जगह लगे हो तो उस क्षेत्र को काशी कहा जाता है, इतना पवित्र उसका वर्णन है। आंवला और बेलपत्र एक जगह हो उस भूमि को काशी की जैसे उसका वर्णन किया। शिवपुराण में इसका बृहद वर्णन आया है, उसका विषय है, उसमें न जाएंगे हम ज्यादा सांकेतिक। परमात्मा कृपा जगह हो आपके पास इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, इनको रखो। अब आजकल तो ऐसे ऐसे मिले होते हैं कि वृक्ष भी उखाड़ ले जाते हैं। कई लोगों को देखता हूं बेचारे वृक्ष लगाते हैं, पता लगा वृक्ष उखाड़ ले जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वृक्ष की चोरी करने वाला, कोई भी वृक्ष की चोरी करता उखाड़ के ले जाता है तो वृक्ष की चोरी नहीं कर रहा, अपने वंश को समाप्त कर रहा है। वृक्ष की चोरी करने वाले का जो वंश है आगे समाप्त हो जाता है। और आज का मानो कहता पहले अभी के देखो बाद में जो का देखा जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं। तो तुलसी के समक्ष दीपदान का वर्णन, दीपक को जमीन पर मत रखो किसी आसन पर रखो, कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। यमदूतों का यमराज का संवाद, अंत में अजामिल गंगा तट पर आते हैं, भगवान नाम संकीर्तन भवसागर से पार हुए। दक्ष के बच्चों को नारद जी उपदेश किए, सबके सब निवृत्ति मार्ग में चले गए। दक्ष को बड़ी पीड़ा हुई, नारद जी को श्राप दिए। जब नारद जी को श्राप दिए तो नारद जी मुस्कुराने लगे, श्राप दे रहे मुस्कुरा रहे। दक्ष ने कहा मैं आपको श्राप दिया मुस्कुरा रहे हो? अरे बोले आप श्राप कहां वरदान दिया मुझे, आपने कहा कि एक घड़ी ज्यादा कहीं ठहरोगे नहीं, तो अच्छी बात तो है चलता रहूंगा, बहता पानी निर्मला ढटे सुगंधा होए।
जल चलता रहेगा तो निर्मल रहेगा, और एक जगह ठहर गया तो बेकार हो जाएगा। इसलिए जो साधक होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो चलते फिरते रहते हैं। और वैसे भी एक कहावत है, क्यों अशोक जी, चलता फिरता बूढ़ा लोया, चलता फिरता बूढ़ा लोया, और बैठ गया तो गोया, और लेट गया तो मोया। समझ में आ गया कि नहीं? नहीं समझ आया? बूढ़ा व्यक्ति चलता फिरता रहे तो लोहे के समान मजबूत होता है, चलता फिरता बूढ़ा लोया लोहे के समान, और बैठ गया तो गोया, मतलब गोबर गणेश, गोबर के गणेश होते, बैठ गया तो, और ज्यादा लेटा रहा तो बोले मोया, अर्थात समझ गए कि नहीं? तो साधक लोग चलते रहते हैं। नारद जी ने कहा कि देखो आप मुझ पर अनुग्रह किए हो, कृपा किए। इसके बाद इंद्र अपने गुरु का अपमान किए। गुरु का अपमान करने वाला कभी खुशहाल नहीं रहता। गुरु को बनाने, गुरु बनाने के पहले विचार करो, लेकिन जिसको गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया हो फिर उसका अपमान मत करो। अनादर करोगे तो फिर आपकी रक्षा कोई नहीं करेगा। और परिणाम क्या हुआ, जब बृहस्पति जी अदृश्य हुए तो इंद्र को विश्वरूप को गुरु बनाना पड़ा। नारायण कवच का उपदेश, नारायण कवच में 42 श्लोक है। नारायण कवच ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि जो मानव इसका पाठ करने का अभ्यास कर ले तो संसार की छोड़ो त्रैलोकी में कोई इसको परेशान नहीं कर सकता। लेकिन अब आज के लिए सब पाठ का क्रम विलुप्त हो गया है, कौन करे, बोले महाराज तो। अच्छा मजे की बात है कि आजकल के लोग अब संस्कृत पढ़ना भूल गए, क्या पढ़ते हैं, हिंदी। पाठ भी करते हैं तो अच्छा हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी, और कोई किसी की हिंदी कर दे तो क्या कहते हैं, मेरा अपमान कर दिया। हिंदी का अर्थ अपमान भी होता है। अमुक व्यक्ति ने हमारी हिंदी कर दी, मतलब हमारा अपमान कर दिया। तो श्री गणेश तो आप ही क्यों, आपको ही तो यही प्रिय है, तो जो प्रिय है वही तो हो रहा आपके साथ। संस्कृत कोई कठिन नहीं है, बड़े सरल शब्द हैं, दो चार शब्द तो पढ़ने का प्रयास किया करो। संस्कृति और संस्कार ही तुम्हारे जीवन के श्रृंगार हैं। विश्वरूप को गुरु बनाया, नारायण कवच का उपदेश, और अंत में विश्वरूप का वध, ब्रह्महत्या को चार भागों में बांटते हैं। वृत्रासुर का जन्म, इंद्र के द्वारा उनका उद्धार, वृत्रासुर के द्वारा स्तुति, पूर्व वृतांत को समझाना। अब आइए सप्तम स्कंद में चलते हैं, 10-5 मिनट यहां ठहर के फिर हम प्रयास करेंगे 7 बजे आपको कन्हैया की नगरी पहुंचा दें, ताकि नंदोत्सव का भी आनंद लें, ठीक है कि नहीं। आगे कन्हैया की जैसी इच्छा और आप लोगों की जैसी इच्छा। भगवान के परम भक्त प्रहलाद, हरी शरणम। लेकिन मुझे पता लग रहा है कि कुछ भक्त लोग सुस्त हो रहे हैं, तो प्रहलाद की मस्ती का आपको थोड़ा अनुभव करा देते हैं, थोड़ा सा झूम लो तो थकान दूर। लेकिन प्रभु की यारी है तो बेकार, देखो प्रभु की यारी करोगे तो फिर कहीं के बचोगे नहीं। प्रभु की यारी में ऐसी दीवानगी है, उठते बैठते चलते फिर तो वही दिखाई पड़ता है, बनवारी तेरी। प्रहलाद जी यारी किए, सुदामा जी यारी किए, हरिश्चंद्र यारी किए,
तो देखते हैं यहां भी कौन कौन यारी करना चाहता है। दीवाना बना दिया मुझे, दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया। ओ बनवारी गिरधारी, ओ बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया। ओ दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी शंगू में, तेरी पायल का बन घुंघरू नाचू मैं संग में। छोड़ रंग दुनिया के इशारे, रंग गए तेरे रंग में, रंग दुनिया के सारे रंग गए तेरे रंग में। तूने बना के, तूने बना के, तूने बना के मथुरा और बुध को बनाना बना दिया। मन बना के मथुरा बुध को बसाना बना दिया। दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया। बनवारी बनवारी गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। सुख दुख सब अपने बेसुख से हो गए, भूल गई सुख दुख सब अपने बेसुख से हो गई। ओ अपने ही घर में रह कर अनजाने हो गए, अपने ही घर में रह कर अनजाने हो गई। तुम समा बना के बोले अपना परवाना बना दिया, तुम समा बना के बोले अपना परवाना बना दिया। दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया। ओ दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया।
रहे जवाना अब कोई परवाह नहीं, कुछ भी कहे जमाना अब कोई परवाह नहीं, कुछ भी कहे जमाना अब कोई परवाह नहीं, कुछ भी कहे जमाना अब कोई परवाह नहीं। ओ धन दौलत और शोहरत की अब मुझको चाह नहीं, धन दौलत और शोहरत को अब मुझको चाह नहीं। क्या करूं क्या करूं क्या करूं कांच के टुकड़ों को जब हीरा पालिया, क्या करूं कांच के टुकड़ों को मैंने हीरा पालिया, दीवाना बना दिया मुझे मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया मुझे मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया मुझे मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया मुझे मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरी यारी दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरी यारी दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना। दीवाना बना दिया मुझे, दीवाना बना दिया मुझे मस्ताना बना दिया, गिरधारी बनवारी और गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरी यारी ने मस्ताना बना दिया। उसकी यारी में देखो पहले समस्या तो है पर बाद में मस्ती भी है, वो यारी में पहले रुलाता भी है, वो टेढ़ा तो है थोड़ा सा रुलाता है बाद में ऐसा। इसीलिए एक साधक कह रहे हैं, एक लाइन उसका भाव दे दो, तेरी यारी में बिहारी मजा नहीं पाएंगे, तेरी यारी में बिहारी, तेरी यारी में बिहारी मजा नहीं पायो रे, 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 यारी करी थी तुमसे विप्र सुदामा ने, 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 दर दर की ठोकर दर दर की ठोकर खिलवायो रे, तेरी यारी में बिहारी मजा नहीं पायो रे, तेरी यारी में बिहारी मजा नहीं पायो रे, तेरी यारी में बिहारी।
यारी करी थी तुमसे द्रुपद दुलारी ने, यारी करी थी तुमसे द्रुपद दुलारी ने, यारी करी थी तुमसे द्रुपद दुलारी ने, यारी करी थी तुमसे द्रुपद दुलारी ने। मध्य सभा में चीर, मध्य सभा में चीर खिंचवायो रे, तेरी यारी में बिहारी मजा नहीं पायो 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 रे, तेरी यारी में बिहारी। अब इस मस्ती को इसी बस्ती में छोड़ दे, एक टक टक जो कर रहा सामने ना, इसकी बड़ी समस्या है। ये टक टक है ना, ये तक तक वाले हैं, वो टक टक वाले हैं। उधर जो बैठे हैं कुर्सी में बैठे होंगे ना, अभी उंगली दिखाएंगे हमको, खबरदार दो मिनट, अभी तो ओट में है, जब समय कम होगा तो सामने आके कहेंगे खबरदार दो मिनट। तो वो टक टक सामने है, तक तक बगल में है। तो अभी समस्ती को इसी बस्ती में छोड़े, चलो आगे की ओर चलते हैं, फिर किसी मोड़ में मस्ती लेंगे। आगे कृष्ण की मर्जी, मेरी राधे की इच्छा है। भगवान के परम भक्त प्रहलाद, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप दो भाई थे। हिरण्याक्ष जब मारे गए, मां को पीड़ा हुई। देखो बेटा अपना कैसा भी हो, उसके वियोग में मां को पीड़ा तो होती है। हिरण्यकश्यप बड़ा सुंदर उपदेश किए, लेकिन भाई की हत्यारे को मारने का संकल्प किए। हिरण्यकश्यप की पत्नी थी कयाधु, कयाधु भगवान की परम भक्ता थी, कयाधु भगवान की परम भक्ता थी। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, आप आओ या न आओ, अपने किसी भक्त को भेज दो। प्रभु ने कहा मैं भक्त नहीं अपने परम भक्त को भेजूंगा। हिरण्यकश्यप तप करने के लिए चल पड़े मंद्राचल पर्वत पर। नारायण, जब मंद्राचल पर्वत पर गए तो जिस वृक्ष के नीचे खड़े होकर ब्राह्मण ने वहां कह रहे थे, उसी वृक्ष की शाखा पर हमारे प्रभु तोते के रूप में आकर के क्या कहते हैं सुनो। नारायण नारायण प्रीमण नारायण 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 प्रीमण नारायण 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 प्रीमण नारायण 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 त्रिवण नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप को बड़ी पीड़ा हुई, उस तोते को हटाने का प्रयास किया, तोते को हटाने का प्रयास किया, तोता फिर आ गया। सोचता है आज अब शगुन हो गया, चलो लौट चले। लौट के आया, कयाधु ने कहा स्वामी एक दिन में साधना पूर्ण हो गई। बोले नहीं, आज अब शगुन हो गया। क्या अब शगुन हुआ? एक तोता था तो बड़ा सुंदर, इतना सुंदर तोता हमने आज तक देखा नहीं, लेकिन मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। तो क्या कह रहा था? धोखे से उसके मुख से निकल गया क्या? नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
बड़ी खुश हुई। यदि आज इसके मुख से 108 बार नाम के निकल जाए, जीव गर्भस्थ हो निश्चित भगवान का परम भक्त होगा। कया धूप ने हाथों से प्रसाद बनाई, चरण दबाती है। स्वामी तोता कैसा था? बहुत सुंदर। तोता बहुत सुंदर था तो हटा देते। अरे हटाए तो सही, फिर क्या हुआ? फिर आके बैठ गया तो शांत हो गया होगा ना। जोर जोर से बोलने लगा, नारायण नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण नारायण नारायण। बहाने से 108 बार नाम। उसी रात्र प्रहलाद गर्भस्थ हुए। हिरण्यकश्यप चल पड़े तपस्या के लिए। कठिन तपस्या की है। मंद्राचल पर्वत पर खड़े होकर ऊर्ध्वभाव नभो दृष्टि, पैर के अंगूठे के बल पर खड़े हैं, दोनों भुजा ऊपर है। इंद्र कयाधु को पकड़े गर्भस्थ शिशु को दंडित करने के लिए। कयाधु चीख पड़ी, नारद जी के द्वारा रक्षा हुई। नारद जी से दो वरदान कयाधु मांगी। नारद जी ने कहा तथास्तु। पहला, इच्छा प्रसव का वरदान, जब मैं चाहूं तब बालक का जन्म हो। और दूसरा, जब तक मेरे पति की तपस्या पूर्ण नहीं होती मुझे सत्संग मिलता रहे। नारद जी ने कह दिया तथास्तु। हिरण्यकश्यप के तप का तेज निकला। बहुत कठिन तपस्या की हिरण्यकश्यप। देवता घबराए, ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी आकर के इनको वरदान दिए हैं। उत्तिष्ठो तिष्ठ भद्रम दे तपस्य दोषि काश्यपो वरदो मनु प्राप्तो वृता मेपस्तो वराहा। अय कश्यप नंदन उठो। हिरण्यकश्यप ने कहा अमरत्व का वरदान दे दो। बोलो ये संभव नहीं है। मृत्यु से बचने का उपाय, न दिन में मरू न रात्र में, न घर के बाहर न भीतर, अस्त्र से न शस्त्र से नर से न जानवर से, ब्रह्मा के बनाए 12 महीनों मेरी मृत्यु न हो। जहां तक बुद्धि की विचारा मांग लिया। ब्रह्मा ने कह दिया तथास्तु। समस्त लोगों पर आधिपत्य जमा कर आया मृत्यु लोक। कयाधु को पता लगा प्रहलाद को जन्म देती हैं। हिरण्यकश्यप प्रहलाद कयाधु को पाकर के प्रसन्न हुए। सिंहासन पर बैठ के कहते हैं, ऐ विष्णु त्रैलोक से तेरी सेवा बंद करवा दी जाए। भगवान मुस्कुराए, त्रैलोकी की छोड़ो, आपके नाक के नीचे एक नन्हा सा भक्त भेजा हूं, उसके मुख से मेरा नाम बंद करवा दो। लेकिन प्रहलाद जी की मस्ती तो हरि शरणम की है। थोड़े से बड़े हुए, गुरुकुल भेजा गया पढ़ने के लिए। वहां जो गुरु जी लोग थे, शुक्राचार्य के बेटे संड और अमरक, एक को दिखाई कम पड़ता है, एक को सुनाई कम पड़ता है। अब जब गुरु जी ऐसे होंगे, चेले कैसे होंगे? अच्छा एक बात बताओ, गुरु हो जन्म का अंधा और चेला हो जन्म का बहरा, तो दोनों का कल्याण हो जाएगा कि नहीं? बोलो। चेला हो जन्म का गूंगा बहरा और गुरु हो जन्म का अंधा, तो दोनों भवसागर से पार हो जाएंगे कि नहीं? बड़ी समस्या है महाराज। कलिकाल में ज्यादातर इसी का दर्शन कराया है गोस्वामी जी ने। गुरु का अंध बहिर का लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। जो स्वयं में भगवान का दर्शन नहीं किया, जो वृंदावन के रस की रसानुभूति नहीं किया, वो वृंदावन के बारे में आपको क्या बताएगा? पहले उस रस का रसपान करो, तब तो बताओ।
शिक्षक भी पढ़ाने जाता है तो पहले उसको पढ़ना पड़ता, छात्र ही तो शिक्षक बनता है, और जो छात्र ही नहीं बना शिक्षक कैसे बन जाएगा। ये बड़ी समस्या है महाराज कल काल में। लेकिन यहां तो बस एक ही पठन पाठन है, देवता हमारे शत्रु हैं, उनको पराजित करना, उन पर शासन करना हमारा धर्म है। कुछ समय के बाद गुरुकुल से बुलाया गया, हिरण्यकश्यप गोद पर बैठा है, बेटा आप गुरुकुल में रह करके क्या पढ़े बताओ। पिताजी घर गृहस्थी अंधा कुआ सूखा कुआ है, समझदारी इसी में, वनम गतो यत हरिम आश्रय, तो वन में जाकर परमात्मा के नाम का आश्रय ले। बिगड़ पड़ा, किसी देवता की मजाल नहीं, मेरे सामने मेरे शत्रु का नाम ले, ये मेरी गोद में बैठ के मेरे शत्रु का नाम ले रहा, उठा के गोद के नीचे फेंक दिया। बुलाया गुरुपुत्र को, क्या पढ़ाते हो? महाराज वही पढ़ाता हूं जो आप कहते हो, लेकिन ये कुछ और पढ़ता है, बस एक अवसर दे दो। लेके आए, बार बार भय दिखाने का प्रयास करते हैं लेकिन यहां कोई भय नहीं। देखो बाबा एक बात ध्यान रखना, जहां लोभ होता है वहां भय होता है, और जहां लोभ नहीं होगा वहां कोई भय नहीं। जिस व्यक्ति के अंदर पद का लोभ होगा भयभीत होगा कि ये नाराज जाएंगे तो पद छिन जाएगा। भक्तों के जीवन में यही नहीं होना चाहिए, भय और लोभ। प्रहलाद जी के अंदर किसी प्रकार से कोई भय नहीं, डांटते हैं कोई ऐसा नहीं पड़ा। कुछ समय के बाद पुनः बुलवाया गया, हिरण्यकश्यप गोद पर बैठा है, क्या कहते हैं? प्रहलादान उच्चताम तातो स्वधीतम किंचित उत्तमम, काले नेता बताओ युष्मत। ये तो शिक्षित गुरु और भगवान है। बेटा आप गुरुकुल में रह करके क्या पढ़े हो, जो पढ़े हो बताओ। इस बार हमारे प्रहलाद जी भक्ति के नौ अंगों का वर्णन किए। कितने अंगों का? नौ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भक्ति के नौ अंगों का वर्णन। लेकिन देवियों सज्जनों एक बात ध्यान रखना, आपको भक्ति के नौ अंग जरूरी नहीं है, आपके जीवन में जरूरी है षडंग भक्ति। आज इसकी चर्चा नहीं कर पाएंगे, देखेंगे फिर समय रहा तो बता देंगे आपको षडंग भक्ति। और ये षडंग भक्ति जब आपको मिलेगी तब भगवान का साक्षात्कार होगा। और इसका वर्णन सप्तम स्कंद में ही है, युधिष्ठिर नारद के संवाद में। और ये षडंग भक्ति मिलती गुरु कृपा से। षडंग भक्ति का और श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के 6 अध्यायों का बड़ा सुंदर संगम किया है। भागवत के महात्म्य जो 6 अध्याय है, 6 अध्याय का राज किया है, ये षडंग भक्ति क्या है इसका बड़ा सुंदर दर्शन कराया। भक्ति के नौ अंगों से मतलब नहीं, आपको आपके अंदर जब षडंग भक्ति प्रवेश करेगी तब कल्याण होगा। हम खाली भक्ति के नौ अंग सुन लेते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, कितनी बार सुने और गए। ये भक्ति के नौ अंग है, नौ अंगों से परिपूर्ण भक्ति है, लेकिन आपके कल्याण के लिए षडंग है। और वो गुरु आपके प्रसन्न हो मिल जाएगी, या चेला प्रसन्न हो तो ले लेगा। मान लो चेले ही गरम हो तो गुरु क्या करेगा, फिर गुरु ही कहेगा भाई शांत हो जाओ। कई बार होता है, कभी नाव पानी पर तो कभी पानी, इसका भी एक अलग आनंद होता है। षडंग भक्ति यह गुरु कृपा से, इसका वर्णन है। नवधा भक्ति की जब व्याख्या करने लगे
हिरण्यकश्यप को आया आक्रोश, बुलाया जल्लादों को, ले जाओ इसको पहाड़ के नीचे फेंक दो। भगवान अपने हाथ की सेज बिछा दिए, खोलते तेल के कड़ाहे में डलवाया, भगवान वहां बचाए, गरम खंभे चिपकवाए, प्रभु वहां बचाए। होलिका जलाने का प्रयास करती, भगवान वहां रक्षा किए। कयाधू से दूध में जहर दिलवाया, भगवान वहां बचाए। पागल हाथी, विषैले नाग, जितने उपाय हो सकते थे सब कर लिया, भगवान रक्षा किए। संडमर कृत्या प्रकट किए, वो कृत्या संडमर को ही खा गई। फिर प्रहलाद की प्रार्थना से संड और अमर के जीवित हुए। जब संड अमर के जीवित हुए तो कहते महाराज एक अवसर मुझे दे दो। हिरण्यकश्यप सोचा सब उपाय किए नहीं, महाराज ले जाओ। ले आए दैत्य बाल को, उनका भैया जो गुरुदेव हमारे वही गुरु आपके, हम लोग कुछ और पढ़ते हैं आप कुछ और पढ़ते हो। प्रहलाद जी ने कहा देखो जो गुरुदेव आपके वो हमारे नहीं है, हमारे गुरुदेव देवर्षि नारद हैं। जब मैं मां के गर्भ में था तब मुझे उपदेश मिला। क्या उपदेश मिला बताओ ना, बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर तदम तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम न तथा विन्दते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम्। साथियों बाल्यकाल से भगवान का चिंतन करना चाहिए। क्यों? जवानी मिलेगी कोई गारंटी नहीं, जवानी है तो बुढ़ापा आएगा कोई गारंटी इसकी नहीं। और वैसे भी हमने आपसे कल कहा था कि 55 की उम्र में जो पहुंच गया है और उसके पहले भगवान का भजन नहीं किया तो फिर उसका मन लगेगा भी नहीं। भगवान का चिंतन बचपन में हो सकता है लेकिन 55 के बाद नहीं होता। 55 के बाद केवल परपंच होता है, बाकी कुछ नहीं होता। वहां भी सत्संग होता है लेकिन वो दूसरा संग है, करते सत्संग ही। इसीलिए कौमार आचरित प्राज्ञो, बड़ा सुंदर संकेत किया, बाल्यकाल से भगवान का चिंतन करो। घट कच्चा हो उसमें चित्र बना दो, नष्ट नहीं होगा, लेकिन घड़ा एक बार पक जाए और फिर चित्र बनाओ तो वो चित्र नष्ट हो जाए। बचपना हमारा आपका कच्चा घड़ा है, जैसे चित्र अंकित करोगे वैसे चित्र दिखाई पड़ेगा आपको। ऐ साथियों ये जो मानव तन है अत्यंत दुर्लभ है, एक बार खिसक गया दोबारा मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसको पाने के बाद जो भगवान का चिंतन नहीं करते वो व्यर्थ में आयुरूपी वृक्ष को नष्ट कर रहे हैं। उपदेश करते करते संकीर्तन की मस्ती में मस्त हिरण्यकश्यप सेवक उसके कहते जाओ देखो उसकी क्या दशा है, लेकिन जो जाते हैं वो लौट के आते ही नहीं। क्यों? संकीर्तन की ऐसी मस्ती है सब मस्त हो गए, सबके सब संकीर्तन की मस्ती में मस्त, लेकिन हिरण्यकश्यप जब पहुंचे तो इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिसकी बुद्धि में काम बैठा होता है वहां भगवान की कथा कीर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महाराज सुख की जड़ है राम, दुख की जड़ है काम। हम काम के पीछे दौड़ते हैं कि राम के पीछे दौड़ते हैं यह हमारा विषय। हिरण्यकश्यप आया जमीन पर गदा पटकता है, सबके सब भयभीत हो गए। प्रहलाद जी पर कोई प्रभाव नहीं पकड़ा। किसके बल पर निर्भय है? पिताजी जिसके बल पर आप शासन करते हैं। कहां रहता है? सर्वत्र। तेरा परमात्मा सर्वत्र है? बोले हाँ। कस्मात् समयं दृष्टे, इस खंभे में दिखाई क्यों नहीं पड़ता? बोले आपको दिखाई नहीं पड़ता तो क्या करूं, मुझे तो दिखाई। जैसे मुष्टिक का प्रहार किया भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो।
हिरण्यकश्यप घबरा गया, अरे राम मैंने कभी ऐसा रूप नहीं देखा। उठाया तलवार, भगवान हाथ पकड़ लिया, गोद पलटा लिए, याद कर वरदान, ना आकाश मरू ना पाताल में, ये गोद है ना आकाश है ना पाताल, घर के बाहर मरू ना भीतर, ये दहली है ना बाहर है ना। और आप लोग जहां बैठे हो ये क्या है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पहले बड़ा प्यारा नाम था इंद्रप्रस्थ, पर इंद्रप्रस्थ तो सनातन धर्मियों का नाम था, इसलिए देहली कर दिया इसको, इंग्लिश में देहली बोलते हैं, ना इधर की ना उधर की। हम नहीं बोलते भाई, अंग्रेजी वाले देहली बताते हैं, हम नहीं जानते, मैं तो अंग्रेजी पढ़ा भी नहीं हूं, पढ़ा तो हिंदी भी नहीं हूं, पर पता नहीं कैसे थोड़ा बहुत बोल लेता हूं। कई बार सोचा करता हूं कि मैं भी किसी विद्यालय में एडमिशन ले लूं क्या। एक जगह एक गुरुजन गुरुदेव मिले, बहुत अच्छी बात बता रहे थे, हमने कहा हमारा एडमिशन नहीं करवा लोगे, एक साल मैं भी पढ़ लूं। पहले उनसे बड़े प्यार से पूछा, एडमिशन तो होता है? हाँ बिल्कुल। हमने कहा किसी करवा, अरे हो जाएगा आप कह तो दो। और धीरे से हमने कहा मेरा ही होना है। अब बेचारे चुप हो गए। हमने कहा महाराज देखो, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, एक बात ध्यान रखना, मानव को जीवन पर्यंत पढ़ना चाहिए। काशी में एक संत को अपनी आंखों से देखा हमने, ब्रह्मचारी थे वो, बड़े अच्छे संत, उनकी लगभग अवस्था रही होगी 88, और जब पहुंचा उनको प्रणाम करने, एक ग्रंथ लेके पढ़ रहे थे वो, 88 वर्ष की उम्र में पढ़ाई कर रहे थे ग्रंथ लेके। हमने पूछा गुरुदेव एक जिज्ञासा है, बोले अमुक ग्रंथ को उठा लो, पृष्ठ क्रमांक ये, श्लोक नंबर ये, पढ़ लो उसका, और आज किसी को दो शब्द का बोध हो जाए तो वो तो पुस्तक के शत्रु हो जाते, देखते नहीं पुस्तक की ओर। अनभ्यास से विषम विद्या अजीर्णन भोजनम विषम, यदि भोजन अजीर्ण है तो विष के समान है, और विद्या के क्षेत्र में अभ्यास की कमी है तो वो भी समस्या है। दहली है न बाहर न भीतर है, ना अस्त्र न शस्त्र ना खून है, नरसमरु न जानवर से, ना अपनर हो न जानवर हो।